नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रेम विवाह में सफलता पाने के उपाय टोटके के बारे में। दोस्तों, प्रेम एक सुख अनुभूति, एक ऐसी अनुभूति जिसे जीवन की कठिनाई से कठिन परिस्थितियों भी सहज हो जाती है। हर एक को चाहत होती है उनके जीवन में प्रेम की कमी कभी न हो। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि जो उसका साथी हो उसके जीवन के हर पल में उसका साथ दे। पर भी अगर किसी को बहुत चाहते हैं आप भी, और उसे अपना बनाना चाहते हैं, उसे विवाह करना चाहते हैं और उसमें कुछ अड़चने आ रही हैं, तो हमारे द्वारा बताए गए प्रेम विवाह में सफलता पाने के उपाय टोटके अपनाएं। ये आपको अपने पसंदीदा जीवन साथी को पाने में सहायक होंगे। ये उपाय अत्यधिक सरल और कारगर सिद्ध हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उन उपाय टोटकों के बारे में। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख जाएं आप, और आप साफ्टिक की माला लेकर ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 3 माला का जाप करें। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले बृहस्पतिवार के दिन ही इस जाप को शुरू किया जा सकता है। आप अगले 3 माह तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, साथ ही साथ अपने प्रेम विवाह की सफलता की कामना करें। प्रेम विवाह में सफलता पाने के लिए टोटके उपाय का प्रयोग किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं प्रेम विवाह में सफल होना, प्रेम विवाह में सफलता पाना, तो इस वीडियो में जो टोटका आपको बताया गया है उसका प्रयोग जरूर करें। ऐसा करके आप भी प्रेम विवाह कर सकते हैं। दूसरा उपाय है प्रेम विवाह में सफलता पाने के उपाय टोटके में, आप ये उपाय भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन शिव पर शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग को शुद्ध जल, शुद्ध शहद, बेलपत्र, आग की माला और धतूरा चढ़ाएं, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। अब आप इस सारे सामान को बहते हुए पानी में बहा दें। ऐसा करने से आपका प्रेम विवाह सफल हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।